भगवान महाकाल की छठी सवारी आगामी सोमवार को निकलेगी। सवारी के दर्शन और पूजन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उज्जैन के रामघाट पर पहुंचेंगे। वे शाम को सीधे रामघाट पर पूजन कर वहीं से भोपाल लौट जाएंगे। सावन की तीसरी सवारी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए थे। चुनावी साल होने के चलते दोनों ही पार्टी के नेता भगवान की शरण में दिखाई दे रहे हैं। चुनावी माहौल में अब कमलनाथ भी शिव भक्ति में रमे हुए नजर आएंगे। आगामी 14 अगस्त को महाकाल मंदिर से निकलने वाली सवारी में शामिल होकर वे भगवान महाकाल का पूजन व अभिषेक करेंगे। अभी तक जो भी कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के पास आया है उसको लेकर कांग्रेस शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया कि कमलनाथ शाम करीब करीब 3:30 बजे भोपाल से चलेंगे। यहाँ वे लगभग 4:15 बजे के आसपास हेलीपैड पर उतर कर सीधे क्षिप्रा नदी के रामघाट पर आएंगे। यहाँ पर 1 घंटे रुककर सवारी का पूजन अभिषेक करने के पश्चात शाम करीब 5:30 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे। महाकाल मंदिर की तीसरी सवारी में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए थे। 19 अगस्त 2019 को सीएम रहते हुए कमलनाथ सावन माह की 5वीं सवारी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने सभा मंडप में पूजन अभिषेक कर पालकी को कंधा भी दिया था। इस दौरान उनके साथ कई पूर्व मंत्री भी पूजन अर्चन में शामिल हुए थे।